ये वाला जो कमरा दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे बताए जाते हैं। ये तो हमें पास के हैं तो दिख गए जूम करके। कोई एक यहाँ मैं ये शिला लेख लगा मिला है, इस पे जूम करता हूँ, आप देखना इस पे क्या लिखा हुआ है। संस्कृत में कुछ लिखा गया है, जैसा आप हमारे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये बना हुआ है मंदिर अटेर किले का। बताया जाता है यह किला एक मंजिला नहीं कई मंजिलों में बना हुआ है, जमीन के ऊपर भी है और जमीन के नीचे। आधे से ज्यादा किला दोस्तों यह जमीन के नीचे बना हुआ है। कोई देवी सी नजर आ रही है, क्या है पता नहीं दोस्तों, आप ये देखो, ये समझो ये क्या चीज है। तो चलिए दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें दोस्तों। ये देखो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ना, जैसा बहुत बड़ा किला है ये। और एक चीज ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है खूनी दरवाजा, और यहाँ से दिख रहा है बेड़। एक चीज मैं आपसे यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जूम करके बेड़ों में जो ये देखो स्ट्रक्चर पड़े हैं ना, कमरे पड़े हैं, ये वाला जो कमरा दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे बताए जाते हैं। ये तो हमें पास के हैं तो दिख गए जूम करके। नहीं, बेड़ों में ऐसे यहाँ पे पता नहीं दोस्तों कितने ऐसे जगह पड़ी हैं, स्थान पड़े हैं जो आज तक लोग यहाँ जानते ही नहीं है। तो एक यहाँ मैं ये शिला लेख लगा मिला है, इस पे जूम करता हूँ, आप देखना इस पे क्या लिखा हुआ है। संस्कृत में कुछ लिखा गया है, श्री गणेशाय नमः, तो हमें दिख रहा है ऊपर, बाकी आप पॉज करके पढ़ लेना। ये देखो आप देख रहे हैं हम लोग कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। ये आप जो देख रहे हैं इसकी ये बाउंड्री बनी है, किले की जो सीमा होती है अंदर की। अब इधर से हम इधर चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो एक ये गया है रास्ता, ये गया है अंदर से, ये बगल से गया है। रास्तों की तो कमी नहीं है दोस्तों इस किले में। ये सारे ये आप ये देख रहे हैं ना दोस्तों स्ट्रक्चर, ये कमरे बने होंगे किसी टाइम पे, आज ये टूट चुके हैं। इनका जो संरचना है उससे हमें समझ में आ रहा है कि ये जाहिर सी बात है कमरे ही रहे होंगे सारे। ये देखो एक सीढ़ी यहाँ से उतर गई है, रास्ता उतर गया है। हम लेकिन इधर चलते हैं इस वाले हिस्से में। और ये आप इसका भुज देख रहे हैं, इस पे सैनिक खड़ा हुआ करता था चारों साइड एरिया में देखने के लिए। ये हिस्सा है दोस्तों, ये अंदर का मुख्य हिस्सा है, राजा महाराजा लोग हैं जो इसी हिस्से में रहा करते थे। ये वाला हिस्सा आप जो देख रहे हैं अंदर, हम वहां से आए हैं, किला बहुत कहां से स्टार्ट हुआ है, ये हमें जो दीवार दिख रही है इससे और आगे से है दोस्तों। इधर थोड़ा साइड में होके दिखाऊं, ये देखो आपको ये दिख रहे हैं आपसे, ये जूम करके मैं आपको दिखाऊं, ये देखो कितनी दूर से हम कहां आ गए हैं। ये इसका मुख्य भाग है, राजा महाराजा लोग हैं जो इसी हिस्से में किले के में रहा करते थे। अब यहाँ से हमें नीचे जाने के लिए क्या है, ये देखो सीढ़ियाँ बनी है जैसा हमने बताया था आपको, और ये लो, और ये बना है दोस्तों आप जो देख रहे हैं, इस किले में अंदर ही मंदिर भी बना था। अब राजा लोग हैं वो कहीं बाहर तो जाएंगे नहीं, ये हिस्सा है, ये गेट देख रहे हैं, इधर से ही निकल के आते थे, और ये मंदिर है, पूजा वगैरह इसी में वो करते थे। और आपसे एक बार यहाँ से आप नज़ारा देख लो, ये सामने हमें चंबल नदी दिख रही है, ये जो बह रही है चंबल नदी है, और ये सारा बेड़ का एरिया है। ये देखो इस स्थान पे बताया जाता है दोस्तों किले पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है इस किले पर। पुराने समय में सुनील दत्त जी की एक फिल्म आई थी, और जिसमें शायद राजकुमार जी भी थे, चंबल की कसम या चंबल के डाकू, ऐसी कोई मूवी थी इस हिस्से में। ये देखो आप यहाँ देख रहे हो कितने खंडर पड़े हुए हैं, ये देखो कितने इसके खंडर पड़े हुए हैं टूटे, समय के साथ धीरे धीरे दोस्तों ये जर्जर होता चला जा रहा है किला। लेकिन पहले हम आपको इस एरिया में यहाँ ले चलते हैं और ये मंदिर दिखाते हैं। ये देखो जैसा आप हमारे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये बना हुआ है मंदिर अटेर किले का, अंदर इसमें मंदिर बना है जो। लेकिन आज वर्तमान में इस स्थान पर हमें कोई भी मूर्ति या कोई शिवलिंग वगैरह हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, खाली पड़ा है ये स्थान। ये देख सकते हैं आप जैसा हमारे पीछे, इधर ले चलते हैं आपको अंदर इसमें। ये देखो जो मैं मतलब चर्चा करता हूँ कि दोस्तों 10 कदम नहीं चल पाते हम, उससे पहले हमें यहाँ कोई ऐसा गुप्त रास्ता मिल जाता है जो नीचे, मतलब इसमें किले के नीचे की तरफ गया हुआ है, तहखानों की तरफ। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है यह किला एक मंजिला नहीं कई मंजिलों में बना हुआ है, जमीन के ऊपर भी है और जमीन के नीचे। आधे से ज्यादा किला दोस्तों यह जमीन के नीचे बना हुआ है,
और ये देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेनोवेशन का काम इस किले पर चल रहा है। ये आप देख सकते हैं ये सारे दोबारा से लगाए जा रहे हैं, ये गिर रही हैं पट्टियाँ, ये टूटने लगी हैं, सारी चटक चुकी हैं, सारी टूट चुकी हैं, कभी भी गिर सकती हैं, तो ये सुरक्षा के हिसाब से ये एंगल लगा दिए गए हैं दोस्तों सारे। ये देखो आपको एक चीज दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, ये हमें इसका आधा हिस्सा मिला है, ये आप देख सकते हैं ये कोई गोल चीज है, उस जमाने का कुछ रहा होगा, ये देखो गोल, यहाँ से ये गोल है, ये कहीं फंस जाती होगी, ये देख सकते हैं आप इसका आधा हिस्सा टूट के जा चुका है। और लो जैसी मैं बात कर रहा था, मतलब तलघर और तहखाने इस किले में दोस्तों पता नहीं है कितने कहाँ है, कि ये देखो आप यहाँ से भी ये रास्ता जा रहा है, अंधेरा दिख रहा है सिर्फ हमें और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब सोच लो जिस जगह अभी हम खड़े हैं इस जगह नीचे दोस्तों एक और मंजिल बनी हुई है, हाँ इसके अंदर पता नहीं है कितनी, मतलब अपने हिसाब से बता रहा हूँ एक मंजिल, लेकिन पता नहीं इसमें कितनी मंजिलें बनी हो। और ये जो चीज ऐसी बनी है, अब ये चीज हम समझ ही नहीं सकते हैं दोस्तों ये क्या बनाया और किसके लिए बनवाया गया था। ये आप यहाँ पे भी देख रहे हैं अवशेष, यहाँ पे भी मिल रहा है हमें पतली ईंट के, यहाँ पे भी कुछ बना हुआ करता था, आप ये देखो इसके भी नीचे यहाँ जा रहा है इसमें, ये देखो ये मतलब चारों साइड जो हमें ये छेद दिख रहे हैं, ये देखो जालियां लगी दिख रही हैं, जो ये जालियां ये सारा इसके नीचे, सोचो दोस्तों बेसमेंट में सब कुछ बना हुआ है इसमें। अब हम चलते हैं किले के इधर साइड में चलते हैं, इसके दिशा तो हमें पता ही नहीं लग रही है हम कहाँ से आ रहे हैं किधर जा रहे हैं, जिधर अच्छा लगता चल रहा है हमें उधर हम आपको लेते चल रहे हैं। ये देखो एक रास्ता ये गया है ऊपर की तरफ, लेकिन हम इधर बढ़ते हैं, ये देखो यहाँ से भी कुछ पट्टियाँ इसकी भी गिर चुकी हैं दोस्तों, ज़्यादातर जर्जरी हो चुका है ये भी, और ऊपर वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा अंदर जूम करके, ये देखो आप ये देख रहे हैं ये वाली जो, ये भी दोस्तों ये चटक चुकी हैं सारी पट्टियाँ हैं। चलो आपको मैं आगे लेके चलता हूँ उसके इस हिस्से में, ये देखो ये हम कहाँ निकल के आ गए, बाहर आ गए। अब ये चीज़ है ये समझ से बाहर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरे समझ में आ रहा है कि आप देख रहे हैं इसमें दोनों साइड ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इधर भी और इधर भी। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर राजा महाराजाओं का ये बताया जाता है महल का हिस्सा इसी में रहा करते थे वो, तो मेरे हिसाब से जब शाम हुआ करती होगी तो इस जगह पर बैठकर वो अपने इधर बैलों का व प्रजा का नज़ारा लेते होंगे। ये देखो कितनी ऊँची ऊँची दीवार इसकी खड़ी है दोस्तों, ये आज भी शान से खड़ा है अटेर का किला। और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं दोस्तों इस हिस्से में मेरे हिसाब से शायद सैनिक राह हुआ करते होंगे, ये आप देख रहे हैं इसमें दरवाजे बने हैं, इसमें तो वगैरह इसी हिस्से में लगा के रखते होंगे, ऊपर भी रखते होंगे, ये भी बुर्ज बने थे उस समय में गोल गोल, लेकिन आज ये टूट चुके हैं सब। इधर भी ये पूरा कुछ बना होगा, इसके ऊपर भी बना होगा ढकने के बैठने के लिए, लेकिन आज सब कुछ टूट चुका है। ये देखो ये है खंडर दोस्तों, हमें भी डर लग रहा है चलते हुए कहीं पैर ना फिसल जाए, ये रास्ता गया है अंदर, ये वो दिख रहा है, पता ही नहीं है ये रास्ते कहाँ जा रहे हैं, मतलब जितना हम घूम ले रहे हैं उतना तो चलो दोस्तों ठीक है हम देख ले रहे हैं, लेकिन इस किले में जरा सोचिए आप कि इसमें ऐसे भी स्थान है जहाँ तक अभी इंसान पहुँचा ही नहीं आज का, उस समय में तो सभी रहते ही होंगे लेकिन आज की हम बता रहे हैं। अब ये देखो धीरे धीरे जैसे मैं बता रहा हूँ जर्जर होते जा रहे हैं, तो यहाँ से धीरे धीरे समय के साथ में ये गिरते जा रहे हैं, ये टूट ही चुका है। एक चीज दोस्तों आपको मैं दिखाने की यहाँ कोशिश करूंगा, मैं घूमते हुए आज भी वो मिल गई चीज, आप ये देखो ये पेंटिंग आप जो देख रहे हैं ये नीचे वाले की दिखाऊं, ये देखो ये उसी समय की दोस्तों, जरा सोचिए आप पेंटिंग बनी हुई है, ये देखो जो बनी है सारी ये उसी समय की पेंटिंग बनी हुई है, ये गुड़ैल के फूल बनाए गए हैं, और ऊपर में आपको ये दीवार में दिखाने की कोशिश करूंगा ये भी कुछ पेंटिंग ही बनी है, ये देखो कोई देवी सी नजर आ रही है, क्या है पता नहीं दोस्तों, आप ये देखो ये समझो ये क्या चीज है, कुछ बनाए ये, तो जो कितना पुराना किला रहा होगा दोस्तों 400-500 साल पुराना इतिहास किला मायने रखता है। ये देखो रास्तों की तो मतलब दोस्तों इस किले में कमी नहीं है, रास्ते ही रास्ते हैं, आप जिस स्थान में पहुंच जाओ वहां से आपको रास्ता मिल जाएगा कहीं ना कहीं जाने के लिए। इधर से हम घुसे इसमें, ये देखो अगर अकेला इंसान आए दोस्तों तो पक्का है वो इसमें खो जाएगा। एक ये देखो रास्ता देख रहे हो आप कितना खतरनाक रास्ता है, ये भी गया है इसमें तो हम नहीं जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल अंधेरा पड़ा है जो रास्ता देख रहे हैं आप दोस्तों, इसमें अंदर हम नीचे नहीं जाएंगे, बिल्कुल अंधेरा पड़ा है बताया जाता है इस किले में, मतलब वैसा भी कुछ बताया जाता है, हम डर तो नहीं लग रहा हमें इस चीज़ का, लेकिन जो सुना है कि इसमें
मतलब नेगेटिव एक्टिविटी भी दोस्तों कई लोगों को महसूस हुई है, लेकिन हम खुद ही इसमें भटक चुके हैं, भूल चुके हैं कि हम कहाँ से आए थे, किस रास्ते से, और हमें किधर जाना है बाहर की तरफ जाने के लिए।